यहाँ का युवा विरोधी सरकार है, युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया, नौकरी देने का वादा किया। ये सरकार नौकरी देने का बहुत दूर की बात है, जो 5000 लोगों का नौकरी जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करने का काम करती है। इस देश का अन्नदाता किसानों के साथ इन लोग ने जो दीवार खड़ी कर दिया है, राजस्थान में युवा कांग्रेस को लेकर किस तरीके से पूरा बैरिकेड करके डराना चाहता है, तो इसके लिए डरेगा नहीं है। राजस्थान का युवा को नौकरी जब तक नहीं देगा तब तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये रिमोट सरकार बंद करो। जो कल आए, कौन आया कल? हेडमास्टर आया, यहाँ पर्ची सरकार का हेडमास्टर आया, तीन मिनिस्टर्स को खड़ा करके उनको सवाल पूछ रहा है। मीन्स इसमें साफ दिख रहा है, राजस्थान का सरकार दिल्ली से चल रहा है, यहाँ इनके पास कुछ नहीं। इसीलिए सीएम साहब भी थाना विजिट कर रहे हैं, दुकान विजिट कर रहे हैं, इसके पास कुछ काम ही नहीं है। जो युवा के बारे में बात करने के पास इनके पास समय ही नहीं है। जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया है। उसमें एक युवा शहीद हुआ है, ये सरकार के वजह से। इनका कोई एक अधिकारी, इनका मंत्रिमंडल आज तक उन लोग से मिला नहीं है। उसको लेके लड़ेंगे, लगातार लड़ाई लड़ेंगे। जो शहीद हुआ है उनको भी भगवान से हम प्रेयर करेंगे, उनके परिवार को शक्ति दे। उन परिवार को हम कहते हैं पूरा युवा कांग्रेस उन परिवार के साथ रहे, और जो 5000 लोग है उन 5000 लोगों के साथ खड़े रह गए, कंधा से कंधा मिला के ये गुंगे बेरे निकम्मे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम युवा कांग्रेस और अभिमन्यु पुनिया जी के नेतृत्व में होगा। सुनिए, ये उसेन बोल्ट का जो इतने तेज से चलता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसको भी तोड़ दिया फेंकने में। जो वादा करेगा, नाम चेंज करेगा और सेल करेगा, इसके अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है। ये सरकार है, टेलीविजन सरकार है, टीवी में आना टीवी में जाना। कल अमित शाह आए, कल अमित शाह आके टीवी को यही लोग लीक किया, तीन मंत्री को डांटने का पन्ना क्या है? पन्ना गिनना कुछ नहीं है यहाँ, इनका सब जुमला है, दिखावा के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जनता समझ चुका है, अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, इनको सबक सिखाने का काम इस देश का अन्नदाता के साथ किस तरीके के इन लोग ने व्यवहार रोज कर रहा है। जो सरहद बना के बना दिया राजधानी के, जो कोई अंदर घुस नहीं सकता है, तो आप समझो जो किसान आतंकवादी नहीं है, किस तरीके से उन लोग ने ट्रीट कर रहा है। उतना पुलिस फोर्स वहां लगा देता या अरुणाचल में और लेह लद्दाख में, कोई एक चीनी आदमी अंदर नहीं घुस सकते थे। मोदी जी तो खुद बोल रहे हैं कि आएगा तो मोदी, सब लोग बोल रहे हैं। तो सुनिए, ये लोग ने इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहा है, स्पेशली इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स 12 करोड़ लोग वोट करने जा रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ वोट करेगा। और ये गिंगे बेरे निकम में सरकार के खिलाफ ऑलरेडी हर स्टेट में उन लोग ने बात पूरा बड़ी लेवल पे सोशल मीडिया में चलाने का काम किया है। आप देखिए, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लाखों लोग उनके समर्थन में आया है, राहुल जी का नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस सरकार आएगी। केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको लेके युवा कांग्रेस आज सड़कों पे उतरा है। हम युवाओं को, किसानों को पिछले कई दिनों से किसान धरना दे रहे हैं, जैसे युवाओं के साथ हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं युवा मित्र पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हैं। तो केंद्र की सरकार, केंद्र से राजस्थान की सरकार चल रही है, आते ही सबसे पहला फैसला किया कि युवा मित्रों को 5000 लोगों के घर उजाड़े हैं, तो हम इन चीजों को लेकर सड़कों पे उतरे हैं। और ये आज तो हमारी लड़ाई शुरू हो रही है, अभी जब तक ये नीतियां, जैसे हम जय जवान कैंपेन चला रहे हैं, जो अग्निवीर जो योजना लेके आए हैं, 4 साल नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद में युवाओं को हटा रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे थे लोग, एक भी योजना पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए आज युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरा है, और ये अभियान आज से शुरू होकर आगे तक जो राहुल गांधी को मजबूती करने के लिए जो युवा न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो उस यात्रा को मजबूती देने के लिए हम जी जान से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा है।